नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। मैं अभी उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के सरायगढ़ क्षेत्र के दादूपुर गांव में है। यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मोहन कुफरी आलू है। ये आलू किसान भाई बता रहे हैं कि 505 रुपये कट्टे बिकाए। एक कट्टे आलू में लगभग 50 से 55 किलो आलू होता है। अभी यहाँ पर किसान भाई, आप उधर देख सकते हैं, आलू में काम कर रहे हैं। इन लोगों से हम आलू के बारे में पूछेंगे, क्या रेट आलू बिका है और ये मोहन कुफरी आलू लगाने में कितनी लागत लग जाती है, और आलू के बारे में आपको समस्त जानकारी देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? हमारा बदन सिंह, नगलावरी के रहने वाले हैं। ये जो अभी हम जिस जिले और जिस क्षेत्र में है उसके बारे में आप बता दीजिए मुझे। सरायगढ़ एटा के रहने वाले हम। जिला एटा। ये जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आलू है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आलू आज क्या रेट बिका है? ये 505 रुपये लिया है। 505 रुपये कट्टे। कट्टे 55 किलो की तोल। 55 किलो की तोल 550। और ये आलू की वैरायटी कौन सी है? ये मोहन कुफरी है। मोहन कुफरी आलू है। हाँ। और ये आपके क्षेत्र में एटा जिले में जो सरायगढ़ में अभी हम है, यहाँ पर आलू की कैसी क्या पैदावार है उसके बारे में? पैदावार पार साल तो कुछ कम है। पिछले साल से कम है। हर साल से कम है। हर साल से कम है। हाँ, कम है। साल कम है। 70 के पैकेट बेगाव जिसको निकलते तो वो 85 निकल लो। 85 निकल लो। और स्टोर के बारे में जानकारी दीजिए और उसके क्या कैसी स्थिति रहती है स्टोर जाना का? स्टोर में तो कास्तकार तो कम डालेंगे, क्यों 500 रुपये कट्टा बिक जाएगा? वो तो भाई पार्सल का झोला लगा हुआ है, झोला लगा हुआ वो तो कमजोर पड़ ही गया। अब व्यापारी लोग खरीदेंगे तो वो डाल सकते हैं। व्यापारी लोग डाल सकते हैं। हाँ, व्यापारी डाल सकते हैं। कास्तकार तो कम डालेंगे भाई, झोला खाए हुए हैं वो तो, झटका लगा हुआ पहले। आलू पिछली साल की अपेक्षा अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कैसा, ज्यादा लगाया गया कम लगाया? नहीं, आलू ज्यादा लगाया। आलू ज्यादा लगाया हुआ, ये पैदावारी कम है उसकी। पैदावारी कम किसकी वजह से कम है? ये झोला भल्ला लगा बारिश की वजह, बारिश हो गई है, बेल चली गई अपनी सारी, बारिश की वजह सभी बेल चली गई। झाड़े बहुत पड़ो, तुसार बहुत पड़ो, तुसारों की वजह से और आलू पैदावार कम है। कम है। ये दादा जो आपने मोहन आलू लगाया था, इसमें एक बीघे में आल ओवर कितनी लागत लग गई होगी? अब आपको कितनी लागत है भैया, लागत बता मैं। 18-20 हज़ार रुपये बिघा लगो एक। ना 20 हज़ार ना लगो। 15 हज़ार तो मानी लो। 15 हज़ार तो मानी लो। 15 हज़ार रुपये बीघे लागत आ। हाँ, 15 हज़ार बीघे की लागत आ गई। अगर किसान अपनी मेहनत मेहनत जोड़ के या फिर मेहनत सब। हाँ, 20 हज़ार रुपये बीघे। और क्या, अभी तो खैर आलू 505 रुपये कट्टे का आपका 55 किलो बिका है। इससे पहले आपने जो कच्ची सीजन आलू खोदा था वो क्या रेट बिका था? वो 350 350 से ज्यादा नहीं बिका। 350 बिका था हमारा। 360 रुपये। आपको नुकसान रहा था या फायदा? भारी बहुत बड़ा नुकसान। पिछले साल खेत में, उसी खेत में जितना ये है उसी इतना ही खेत था, उसमें 210 पैकेट निकले थे, इस साल 150 पैकेट निकले। पैदावार कम है ना? पैदावार लगभग कम रही, 35-40% कम रही। हाँ, 35-40% कम हो गई क्योंकि ऐसा निकला 5 साल 30 का निकला, और ऐसा का निकला बाग का तो 20 का। हाँ। और ये जो आपका हम दिखा रहे हैं वीडियो में आलू, ये लगभग 7 से 8 बीघा आपका आलू है और इसमें झुलसे की वजह से बेल पूरी जली गई है, तो इसमें पिछली साल की अपेक्षा आलू कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? अभी हम आपको कम निकलेगा। ये बेल जैसे इसी खेत में चलेगी या क्षेत्र में? सारे क्षेत्र में। हाँ। और ये स्टोर की खुदाई कब से स्टार्ट होगी? स्टोर की खुदाई होगी 5 मार्च से। 5 से शुरू हो जाएगी मेरी। शुरू हो जाएगा 5 मार्च से। आप दादा पिछली साल से आलू स्टोर में ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? क्या कम रखेंगे, ज्यादा नहीं रख पाएंगे भाई, झोला लगा हुआ। हाँ, पैसे की ललच में कम रख पाएंगे। रेट से जो 500 रुपये कट्टे बिक रहा है इस वजह से कम रखेंगे। बस गाड़ने भर रखेंगे, बेच नहीं पाएंगे कोल्ड में। दादा आपने कितना आलू किया इस साल? मेरे 25 बीघा आलू है। 25 बीघा आलू है जी। कितने आलू खुदाई कर दी आपने? अभी आलू एक भी नहीं खुदा है। बिल्कुल नहीं खोदा? हाँ, मेरे जो ताऊ है ना कि खुद गए, हमारे भी नहीं खुदे। तो कच्ची सीजन नहीं खोदा जब तक ना।
तो आप पिछले साल से स्टोर में ज़्यादा रखोगे या कम रखोगे? जितने बहुत कम रखेंगे इस साल। और आपके आलू कैसी क्या स्थिति है, झुलसा उलसा? आलू मेरे जो हैं 10-11 बीघे जो एक नंबर है उसमें बेल अभी बिछाऊ दो, इस वजह से उसमें बेल है, और पहले था उसमें बेल ऐसी सब खत्म है। और आपने कौन कौन सी वैरायटी का आलू किया ज़्यादा? मेरा सब ख्याति है। ख्याति आलू ख्याति है। और ख्याति आलू क्या रेट अभी बिक रहा है? ख्याति की रेट यही है जो उसमें इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। पहली बार देखा है, थोड़ा अंतर है। जैसे हम आए हैं, जैसे प्रतिदिन हम वीडियो बनाते हैं और जाते हैं क्षेत्र में, मैनपुरी जिला, एटा जिला, फरुखाबाद जिले में जाते हैं, तो वहाँ पर आलू 300 रुपये से लेके 400 रुपये कट्टे तक का हमने रेट देखा है। हाँ। तो आज हमने वीडियो आज यहाँ आए हैं क्षेत्र में, ये 505 रुपये कट्टे आलू बिका है। हाँ। तो ये मोहन की आलू वजह से बिचा है या अच्छी क्वालिटी की वजह से या फिर वही रेट चल रहे हैं? ये मोहन की वजह से बिका ये, इस वजह से। और अच्छी क्वालिटी है ना इसकी, क्वालिटी अच्छी है ना, चमक भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। अगर इस अलीगंज क्षेत्र सरायगढ़ की बात की जाए तो इसमें नए कोल्ड कितने बने हैं? नए कोल्ड तो सरायगढ़ में दो ही कोल्ड है, दो कोल्ड बढ़ गई हमारी तो। कोल्ड बढ़ गई हाँ, और यहाँ पे क्षेत्र में कोल्ड थे ही नहीं, यहाँ सराय में तक था और यहाँ उधर इधर भी संकिता था। इससे पहले भी यहाँ पे दो बने हैं, एक विधायक जी का और एक दूसरे राठौर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान या जो व्यापारी लोग हैं या सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो अगर महंगाई करेगी तो अच्छी चलेगी इस साल में, है? इस साल में इसके बन जाएगी, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगी। सरकार में ये समझ लो कि आलू ज़्यादा ज़्यादा ही फिट रहा है। जैसे वर्ष 2023 में, 2022 में, 2021 में लगातार 3 वर्षों से किसान आलू का नुकसान हो रहा है। इस साल क्या उम्मीद है किसान, कुछ उम्मीद देख रहे हैं 2024 में आलू का फायदा होता है या नहीं होता? कोई पता नहीं, आलू की खेती भाई सब्जी है, ये तो 100% ये है कि हो सकता है मद्दा हो सकता है आगे चले, जो इस सरकार में रेख एक लगती नहीं है, हर साल यही होता है। आज 10 फरवरी 2024 हम एटा जिले के सरायगढ़ क्षेत्र के दादूपुर गाँव में आए हैं और अभी हमने आपको किसानों से बात की, आलू के बारे में बताया। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये मोहन कुफरी आलू है, ये 505 रुपये कट्टे आलू बिका है। एक कट्टे में लगभग 50 से 55 किलो आलू होता है। और आलू से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब करें। ये इंडिया पोटैटो हिंदी चैनल ये उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की दोनों की ग्राउंड रिपोर्टिंग देने वाला भारत का एकमात्र चैनल है। और आज आलू की लगभग 100 से 200 रुपए क्विंटल की आलू की रेट पर बढ़ोतरी, आलू के रेट बढ़े हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।